हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैरियर स्प्लिट एयर कंडीशनर के E5 एरर कोड के बारे में। कैरियर स्प्लिट एयर कंडीशनर में E5 एरर कोड क्यों आता है और किस वजह से आता है, क्या प्रॉब्लम होती है और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, जानेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक ट्रस्टवर्थी होम सर्विसेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ट्रस्टवर्थी होम सर्विसेज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके रोज की न्यू वीडियो देखते रहें। तो गाइस, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कैरियर स्प्लिट एयर कंडीशनर के E5 एरर कोड के बारे में। कैरियर स्प्लिट एयर कंडीशनर में E5 एरर कोड क्यों आता है और किस वजह से आता है, क्या प्रॉब्लम होती है और इसका क्या सॉल्यूशन है। तो गाइस, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, मेरे पॉइंटों को आपको फॉलो करना होगा, आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस, आपको इसमें कुछ नहीं करना, इंडोर का कैबिनेट खोलना है। इंडोर का कैबिनेट खोलने के बाद में आपको सिर्फ ये चेक करना, जो इवेपोरेटर टेम्परेचर सेंसर रहता है हमारा, जो कॉइल में लगा हुआ होता है जिसको इवेपोरेटर बोलते हैं, तो आपको उस सेंसर को चेक करना है, वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या फिर नहीं। एक बार उसको ये चेक कर ले, जो सेंसर की वायर है वो कटी हुई तो नहीं है या फिर चूहे ने काट तो नहीं रही, किसी भी रीजन से वायर कटी है या फिर जली हुई है तो आप उसको चेक करें। अगर वो ठीक होने का है तो ठीक करें, वरना सेंसर को चेंज कर दें। और अगर मान लो आपका सेंसर की तार नहीं है कटी हुई, तो एक बार पीसीबी कार्ड में ये चेक कर लें कि मतलब जैक उसका ठीक तरीके से लगा, लूज तो नहीं हो गया या फिर वहां से वायर जड़ से भी कटी हुई हो सकती है। एक बार जैक को निकाल के साफ करके देखें बढ़िया तरीके से, और वहां पे ये भी चेक कर लें वायर कटी तो नहीं है जड़ से कटी, तो वहां पे भी एक बार आप चेक कर लें। अगर ये सारा सब कुछ ठीक है तो फिर ये आपको सेंसर को वैसे चेक करना पड़ेगा क्लैंप मीटर से। अगर आपको रेजिस्टेंस निकालनी आती है तो उसको चेक करें, अगर नहीं भी आती है तो आप सेंसर को चेंज कर दें। अगर आपके पास सेंसर वहां पर अवेलेबल है तो आप वहां पर लगा कर चेक कर लें, आपकी प्रॉब्लम वही 100% सॉल्व हो जाएगी। बट गाइस, अगर सेंसर नहीं है तो भी आपको मार्केट जाकर सेंसर लाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फॉल्ट हमारा रहता है कैरियर स्प्लिट एयर कंडीशनर में E5 एरर कोड देखने को मिलता है, तो ये इवेपोरेटर टेम्परेचर सेंसर, जिसको हम कॉइल टेम्परेचर सेंसर भी बोलते हैं, तो उस रीजन से ये हमें देखने को मिलता है। वो प्रॉपर तरीके से जब वर्क नहीं करता है, उसमें फॉल्ट हो जाता है, तो उस रीजन से ही हमें E5 एरर कोड देखने को मिलता है। तो आप इवेपोरेटर टेम्परेचर सेंसर को चेंज कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी गाइस। तो गाइस, आई होप सो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और रोज की ऐसे न्यू हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए ट्रस्टवर्थी होम सर्विसेज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके रोज की न्यू वीडियो देखते रहें। तो गाइस, चलते हैं, फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।